वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताऊंगा वो कौन सी मेंटल स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए जो आप यूज करके अपनी थेरेपी शुरू कर सकते हो। मैं जब स्कूल में था ना, तो मैं यही मेंटल स्ट्रैटेजी से अपनी टेक्निक्स करता था, जिससे मुझे बहुत ही मैसिव इम्प्रूवमेंट फील हुई। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखो और आप इसी मेंटल स्ट्रैटेजी से ना अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। आई फील ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चलो बैठ के आपको समझाता हूँ और आप अच्छे से समझो और इसी से काम करो। सो लेट्स गो। ओके दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मोटिवेट रख सकते हो खुद को, बिकॉज ना मोटिवेशन एक ऐसी चीज है ना जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देती है। तो मैंने आपको अपनी रियल लाइफ से इंसिडेंस बताऊंगा कि मैं जब स्कूल लाइफ में था तब मैं क्या करता था जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। सबसे पहली चीज, आप ना विनर्स होते हैं ना, उनकी आप कंपनी में रहो। आप देखो आपके कॉलेज में, स्कूल में जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या डिफरेंट करते हैं बाकी बच्चों के साथ। तो आप रियलाइज करोगे कि ना वो बहुत ही डिवोटेड होते हैं। क्लास में अगर 70% बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, वो टीचर्स के नोट्स को रीड नहीं कर रहे, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो कॉन्सेंट्रेशन से करते हैं, वो नेगेटिविटी को लाने नहीं देते बीच में। तो वैसे ही आप ना जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके कंपनी में आप रहो, तो आपको डिवोशन, डेडिकेशन सब आ जाएगी। दूसरी चीज जो मुझे बहुत ही मोटिवेट करती थी वो है सक्सेस स्टोरी। मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी पढ़ता था, जैसे ऋतिक रोशन ने कैसे इम्प्रूव करा, एमिली ब्लंट ने कैसे इम्प्रूव करा, या किसी तीसरे ने कैसे इम्प्रूव करा, या किसी चौथे स्टैमरर्स ने कैसे इम्प्रूव करा। मैं उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ता था कि वो पूरे दिन में करते क्या थे, वो सोचते कैसे थे, और मैं ना खुद को उनकी तरह सोचना शुरू करता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा ना, आप ना सक्सेसफुल पीपल की ना बायोग्राफी पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर हो गए या कपिल देव हो गए, या अगर आप पॉलिटिक्स में ले रहे हो तो अटल बिहारी वाजपेयी हो गए या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी हो गए। आप ना सक्सेसफुल लोग की ना बायोग्राफी पढ़ो, आपको ना मोटिवेशन आ जाएगा कि वो जो आज यहाँ पहुँचे हैं, इतनी बड़ी पोजिशन में वो पहुँचे हैं ना, उन्हें बहुत हार्डवर्क किया है। तो आपको एक मिल जाएगी, एक पैरामीटर मिल जाएगी कि मैंने इतनी हार्डवर्क करनी है। तो अगर आप उतनी हार्डवर्क कर लोगे ना, तो आपकी स्टैम्बलिंग भी ओवरकम हो जाएगी। ये दूसरी चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। और तीसरी चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ना कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता था। स्टैम्बलिंग को छोड़ के अगर ऐसे कॉम्पिटिशन होती थी, या स्पोर्ट की कुछ कॉम्पिटिशन होती है, या एक्टिंग की कुछ कॉम्पिटिशन होती है, मैं कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता था और ना फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज आने की कोशिश करता था। इससे क्या होती है ना, जो हमारी जो स्पोर्टिंग नेचर है ना वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो आप भी ना कंपटीशन में पार्ट लो, बिकॉज अगर आप कंपटीशन में पार्ट लोगे ना, आप श्योरली ना आपकी जो स्पोर्टिंग है, जो कॉम्पिटिवनेस है, वो सब डेवलप हो जाएगी। ये तीन चीज़ मुझे बहुत अच्छी हेल्प करती थी। और चौथी, ऑफकोर्स द टेक्निक्स में जो भी सीखता था मैं उसे करता था और उसे बाहर जाके यूज करता था। अगर मैं 10% भी इम्प्रूव करता था ना, तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती थी कि कैसे मुझे ये 10% इम्प्रूवमेंट को प्रिजर्व करनी है। तो आप जो भी इम्प्रूव करते हो ना, पहले उसे प्रिजर्व करो। अगर आपने 30% इम्प्रूव कर लिया एक महीने में, तो कोशिश करो कि ये 30% एटलीस्ट रहे 6 महीने के लिए। बीच में थोड़ी सी रिलैप्स आएगी, बट एट अ वेरी शॉर्ट टाइम आप फिर से 30% में आ जाओगे। ये आप कोशिश करो, इससे ना आपकी ग्रोथ होगी। आप ना हर महीने कुछ इम्प्रूव करोगे, और धीरे धीरे अगर हर महीने 10% भी इम्प्रूव कर रहे हो ना, तो एक साल में इजीली आप 70-80% इम्प्रूव कर जाओगे। तो डेडिकेशन से, ये जो मैंने सारे पैरामीटर्स बताए हैं ना, ये सब आप एक साथ करोगे ना, आप देखना आप 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में एक बहुत बड़ी चेंज आपको विजिबल होगी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? आई होप ये अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूंगा ना कि जैसे मैं रहता हूँ ना, मैं वैसे ही वीडियोज बना के आपको दूँ कि आप भी ना रूम में ऐसे ही बैठ के प्रैक्टिस कर सको। आई थिंक इससे आपकी हेल्प होगी और इम्प्रूवमेंट भी होगी। चलो दोस्तों, अब मैं जाता हूँ, लंच का टाइम हो गया है और मैं लंच करता हूँ। टाटा बाय बाय।